तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के मिनिमल व्लॉग। तो जी आज है संडे और तो राजकुमार जी जा रहे हैं हरिद्वार जल लेने, गंगा जल। और मैं कर रही हूँ जो उनके कपड़े प्रेस कर रही हूँ, और एकदम से प्लान बना है इनका जाने का, तो जल्दी जो है सारी तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं ऊपर आ गई थी फटाफट से, भाभी जो है नीचे खाना वगैरह बना रही है, और इस वक्त बज रहे हैं 4 और इन्हें निकलना है बहुत जल्दी, तकरीबन ये 7 बजे जो है इन्हें यहाँ से निकलना है। और कपड़े ही हैं जो पूरे सीम रहते हैं, सूखे हुए भी नहीं थे, तो प्रेस करने में जाहिर सी बात है टाइम लगेगा लगेगा, क्योंकि गीले कपड़े हैं जो हम नहीं रख सकते हैं, और जो इन्हें लेके जाना है वही इन्हें जो है प्रेस करवा रहे थे मुझसे, और ये विहान आ गया था। तो जी अब यहाँ भाभी बना रही है हलवा, जैसे कि इंडियन ट्रेडिशनल में होता है, तो इंडियन रीति रिवाजों के हिसाब से जब कोई कहीं जाता है तो उसको मीठा खिलाया जाता है। तो भाभी बना रही है बेसन का हलवा राजकुमार जी को खिलाने के लिए। तो जी अब ये राजकुमार जी देखो रेडी होकर आ चुके हैं, और मैं इनको ये बोल रही थी कि तुम ध्यान से जाना, और ये कह रहे थे मैं नहाऊँगा गंगा में डुबकी लगा लगा के। मैं इन्हें बोल रही थी नहीं यार मुझे तुम्हारी टेंशन लगी रहेगी, तुम ध्यान से जाना, तो ये बोल रहे थे ठीक है चलो मैं ध्यान रखूँगा। और बड़ी हंसी आ रही थी वैसे इनको, और एकदम से क्या हुआ, एकदम शुरू हो गई इतनी तेज़ बारिश। तो बारिश देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा तेज़ आ रही है, और इन्हें निकलना भी था इस वक्त, और बारिश जो एकदम से शुरू हो गई, बहुत तेज़ बारिश आ रही थी, समझ नहीं आ रहा था यार इतनी तेज़ बारिश हो रही है कैसे निकला जाएगा। लेकिन भगवान की दया से बारिश जो है 10 मिनट बरसी, उसके बाद पूरी तरीके से रुक गई थी। तो जी अब जो है आकांक्षा जो है टीका करेगी, तो ये मेरी मामी सास की लड़की है जो टीका करेगी, और इत्तेफाक देखो कितना अच्छा हुआ आज। तो गाइस देखो आप, आज जो है मेरी मामी सास आई है, तो मेरी मामी सास की लड़की है ये आकांक्षा जो टीका कर रही है इनको, और क्योंकि बहनें टीका करती है, जब भी भाई जो है कावड़ वगैरह लेने जाते हैं मोस्टली जो है अच्छे कामों पर बहनें ही जो है टीका करती हैं। मेरा भाई भी जो है कांवड़ लेने गया है, लेकिन मैं नहीं जा सकती थी और मुझे अंदर से इतना बुरा लग रहा था, लेकिन हाँ मेरी ताई की लड़की है उन्होंने टीका कर दिया होगा। और राजकुमार जी दीदी इसलिए नहीं आए क्योंकि जीजा जी भी जा रहे थे, तो इसलिए जो है भाई घर भी देखना होता है, तो इस वजह से दीदी भी नहीं आई और मैं भी नहीं गई, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। तो इत्तेफाक इतना अच्छा हुआ कि आकांक्षा आ गई, उन्होंने टीका कर दिया, वरना यार मन में थोड़ा रहता कि यार ये क्या है। तो ये जो हमारे रीति रिवाज है ये भी बहुत अच्छे होते हैं, इनको फॉलो करना चाहिए हमें, क्योंकि जो हमारे बड़े कुछ हमें बोल के गए हैं वो कुछ अच्छा ही बोल कर गए हैं। और जाने से पहले जो है मीठा खिलाया जाता है, इसलिए यहाँ पे खिला रहे हैं बेसन का हलवा, और इनको बहुत लेट भी हो रहा था, तो इस वजह से क्योंकि बारिश जो है अब रुक गई थी, तो यहाँ आकांक्षा जो है अब सातिया बना रही है गाड़ी के ऊपर, क्योंकि ये इसी बाइक से जो है जाएंगे, और ये बहुत अच्छा होता है। अगर आपके घर में भी कोई बड़ा या छोटा कहीं जा रहा है तो उसको टीका लगाना चाहिए, मीठा खिलाना चाहिए, अगर कुछ नहीं है तो दही या फिर चीनी खिला दो। और तो ये राजकुमार जी ना विहान बहुत परेशान कर रहा था, तो कह रहे थे कि मैं इसको यार थोड़ा घुमा देता हूँ वरना ये ना जाने नहीं देगा मुझे। तो जी बस ये अब निकलने वाले थे, तो इतने में ही सोच रहे थे कि भैया भी आने वाले हैं, चलो भैया से भी मिल ही लेता हूँ। तो बस जी थोड़ी देर रुके हुए थे, और ये मौसम जो है थोड़ा अजीब हो रहा था, पता नहीं चल रहा था यार कब बारिश आ जाए और कब बारिश नहीं आए, क्योंकि मौसम तो है बिल्कुल बदल ही रहा था 2-2 मिनट में। तो बस ये जाने वाले थे, और ये मैं यहाँ खड़ी होकर इनको बोल रही थी कि यार प्लीज़ ध्यान से जाना, कोई भी इंसान घर से जाता है तो जाहिर सी बात है यार दिमाग जो है उसी में लगा रहता है, और मेरा तो टोटली दिमाग जो है इनमें ही लगा रहेगा जब तक ये आएंगे नहीं, क्योंकि कांवड़ है इतनी दूर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, और मम्मी जी पापा जी भी नहीं है। तो जी अब मैं आपको कराती हूँ हरिद्वार के दर्शन, और देखिए हरिद्वार शुरू होते के साथ ही जो है भीड़ और पानी जो है शुरू हो चुका है। तो जी हरिद्वार में बहुत ज़्यादा पानी था, बहुत ही ज़्यादा पानी है, और अगर आप या आपकी फैमिली में से भी कोई जा रहा है तो प्लीज़ सेफ्टी से जाइए। और ये देखिए अभी तो हरिद्वार शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले देखिए भीड़ भी शुरू हो चुकी है धीरे धीरे मिलना।
किसी का झटका लगे सीधे जाए। ये है भाव, तो ये भी एक तरीके का डैम ही छोटा सा। मैं हो चुकी हूँ रेडी नीचे जाने के लिए, और आज मैंने पहनी है साड़ी। दिस इज माय आउटफिट, ये मेरा आज का आउटफिट। तो जी आज है मंगलवार, और हम जा रहे हैं राजकुमार जी को लेने, और भाभी जो है खड़ी है थाली वगैरह लेकर, और मैं हो गई हूँ रेडी। और देखो मैं कैसे पोज दे रही हूँ। और भैया को जो है गुस्सा आ रहा था क्योंकि राजकुमार जी जो है आ गए थे, हम ही लोग लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा क्योंकि घर में काम भी था। तो हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। शिव जी को है जो गंगा जल है वो चढ़ चुका है फाइनली, और अब हम कर रहे हैं माता की पूजा सामने की ओर खड़े होकर। और वीडियो जो है मैं शूट कर रही थी, और मम्मी जी मुझे बुलाएगी कि इधर आके जो है पंडतानी की ढोक दे लो। तो ये सारे खड़े हुए हैं, और ये भी हान को देखो इतनी मस्ती करता है, नहीं कहीं जाता है, बैठता नहीं है एक तो बिल्कुल भी, मंदिर में भी जो एक मिनट बैठा नहीं। अब हम आ रहे हैं वापस की ओर, यानी वापस घर की ओर, और हमने बहुत सारा डांस किया, आपने पीछे देख ही लिया होगा। और जो है राजकुमार जी वगैरह बहुत थके हुए थे, और जो हमारे ढोल वाले भैया थे उनको जॉब पर भी जाना था, तो इसलिए जो है हम ज़्यादा देर नहीं रुके। वो भैया आ गए, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, अपने बिजी टाइम में से जो एक बार बोलने पर आ गए। तो जी अब हम आ गए हैं घर पर, और मम्मी जी देखो गंगा जल छिड़क रही हैं। गंगा जल छिड़कने के बाद जो है अंदर एंट्री करते हैं अब मम्मी जी। तो जी अब मम्मी जी जो है टीका लगाएंगे इनको, और जो है तीरथ पे से आते हैं तो पैर छूने चाहिए, अच्छा होता है। तो अब हम सबको जो है हमने सबके पैर वगैरह छू लिए, मैंने भी जो है राजकुमार जी के पैर छू लिए क्योंकि ये तीरथ से आए थे इसलिए। और अब मम्मी जी जो है इनको खिलाएगी मीठा, तो मीठे में जो है वैसे तो हमने साबूदाने की खीर बनाई थी भाभी ने सबको मतलब बांटने के लिए, लेकिन ये प्रसाद जो है मंदिर से मिला था तो इसलिए मम्मी जी ने जो है इनको यही खिला दिया केला कि ये खा लो। और विहान जो है देखो इसके पापा टी शर्ट लेकर आए थे, इसने पहन भी ली, और कितना इतरा रहा है, देख रहे हो आप इसको कितना इतरा रहा। तो फाइनली आ गए हैं किचन में, और किचन में जाए बिना तो यार कोई काम हो ही नहीं सकता। और भाभी और हम आ गए थे खीर डालने के लिए, और तो हमने शुरू कर दिया काम। मुझे
ब्लॉग हिस्सा है। ये जानने के लिए क्या? ये गोला ना हाँ ना ना कुछ और मैंने तो सोचा तो ऐसे ही ऐसा नहीं था। मुझे नहीं पता था रावण लेके आया। मैं तो कल बड़ी मम्मी को देखा ना नंगे पैर में अपनी हाथ को लेके आती, तब मैंने पूछा कि रावण नहीं देंगे जल ना रहे हाँ वही हाँ तो जल ही तो आता उसमें ही तो जल ही होता है। तो जी यहाँ हो रही है बातें। तो जहाँ दो जने होते हैं वहीं बातें होती हैं, यहाँ तो यार चार जने तो सोचो कितनी बातें हो रही होगी। तो जी मम्मी जी हमसे बोल रही थी जल्दी जल्दी डालो क्योंकि बाहर जो है बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और जो है मैं जो है डालने का काम कर रही थी खीर वगैरह। और भगवान की दया से प्रसाद जो है आप कोई सा भी बनाओगे उसमें इतनी बरकत हो जाती है कि वो सबके सबको भी चला जाता है, आप भी खा लेते हो और थोड़ा सा जो है बच भी जाता है ताकि कोई अगर आए तो उसको भी मिल जाए। तो जी हमारे साथ भी ऐसा हुआ, प्रसाद ना फेंकने में आना चाहिए ना ज़्यादा बचना चाहिए, इतना होना चाहिए कि सब खा लें और आराम से जो है सबके पास चला भी जाए। और यहाँ पे जो है हम बातें वगैरह कर रहे थे, दीपिका ये मेरी नंद है ये भी जो है अब जाने के लिए कर रही थी क्योंकि आज इनको जाना था बालाजी मंदिर। तो ये मेरी फ्रेंड भी है, नंद भी है, तो मैं इसे कुछ भी कह देती हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा फ्रेंड इसको फ्रेंड मानती हूँ। और इसको भी हमने बताया नहीं था, सुबह बताया था तो ये नहाकर आई थी जल्दी। तो अब जो है पापा जी को भी जाना था आज हिसार क्योंकि पापा जी जो है हिसार जॉब करते हैं तो लेट हो रहा था और सब काम जो है जल्दी जल्दी करने थे। तो आपको पता है जब काम जल्दी करने होते हैं तब काम ज़रूर लेट होते हैं, कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ ज़रूर होता है घर के अंदर। तो भगवान की दया से अभी तो ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। अब हम जो है बनाएंगे खाना क्योंकि अब सब खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद पापा जी जो है हिसार के लिए निकलेंगे। उनको वैसे सुबह निकलना था लेकिन ना राजकुमार जी जो है कह रहे थे मैं सुबह आ जाऊँगा, इस वजह से वो नहीं निकले। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो जी ये मैं खीर डाल रही हूँ पापा जी के लिए और पापा जी गए हैं दीपिका को पैसे देने क्योंकि बहन बेटी को देने चाहिए, अच्छे होते हैं देना। तो वही मैंने आपसे कहा कि ये मेरी नंद भी लगती है और ये मेरी जो है बहन भी लगती है एक तरीके से। इसको डुबकी लगाएंगे हरिद्वार, इसको बदलेंगे जा रहा हूँ, इसको तो फूल छोड़ देंगे, फूल छोड़ देंगे। बड़ी मम्मी के भी छो, बड़ी मम्मी के भी छो। ये तो भाई हर बार रिश्वत लेता था। तो जी अब मैं आ गई ऊपर और ऊपर आके जो मैं आ रही हूँ चाय क्योंकि इनको इतनी थकान हो रही है तो सोचा चाय बनानी चाहिए थकान में। तो चाय बेचने वाले आते हैं वहाँ पे ना वो ना फट के तो बंदर आना बंदर मार बंदर आधा तो यहाँ के उसका भी सिंदूर लगा क्या किसके बनियान का भी वो बंदर है यहाँ लोग दे दे रहे हैं फटे के सही है ये कुछ भी तेरा किरोड़ हाँ समझा नहीं वो देखो खेली थे ये कहाँ जा रहा है ये इसके दादा के साथ फूल छोड़ते ही जा रहा ये कह रहा अब फट जाए उठ नाली में दो इधर अब मैं आ रहा हूँ ये इसके दादा के साथ जाएगा हाँ मोटर बंद कर देना मोटर स्कूल में छोड़ी है ना इसका बैग दे रही हूँ मैं हाँ इसने आज तक स्कूल में छोड़े मैडम के पास नहीं क्या वो तो बोल रहे हैं। तो जी पापा जी जा रहे हैं अब हिसार क्योंकि वो हिसार में जॉब करते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था। और अभी इस वक्त बज रहे हैं 12:30। तो आज का जो वक्त है वो पता ही नहीं चला कब जो है 12:30 बज गए
और बस यही है, आप पापा जी शायद आएंगे रक्षाबंधन पर, वरना विहान के बर्थडे पर आएंगे। और विहान को देखो, सबसे पहले जो है आपने देखा होगा बाइक पे जाकर वो बैठ गया है, तो इसका शुरू से यही होता है, कोई कहीं जाएगा सबसे पहले जो है ये बाइक पे जाकर बैठ जाता है जाने के लिए। तो जी अब हम स्टार्ट कर देंगे इस शाम के लिए प्रिपरेशन करना। तो अब मैं और भाभी जो है आ गए हैं किचन में, शाम का खाना बना रहे हैं। तो व्रत का खाना जो है आज भाभी बना रही है और मैं बना रही हूँ बिना व्रत का खाना। और आज हमने मेरी मौस सास को खाने पे भी बुलाया है मम्मी जी ने, क्योंकि राजकुमार जी आए थे वहाँ से, तो कंजका वगैरह कुछ नहीं बिठाई थी। और बस इसी तरीके से जो है हम मिल बाँट के जो है अपना काम कर लेते हैं। और किचन में आपको पता है दो जने होते हैं तो कितनी जल्दी काम हो जाता है और वक्त का भी जो है हमें नहीं पता लगता। तो जी व्रत का खाना और बिना व्रत का खाना आज दोनों ही बिना लहसुन प्याज का बनेगा, और इसीलिए जो है मैं तेल भी जो है बिल्कुल साफ़ वाला यूज़ कर रही हूँ। और बस इसी के साथ जो है जल्दी जल्दी सारा काम हो जाता है। तो जी खाना पीना जो है हो चुका है और जो है बड़ों से जो है आशीर्वाद भी ले लिया है हमने, मम्मी जी पापा जी से तो सुबह ले लिया था, मौसी मौसा से भी ले लिया है। और सब्सक्राइब करना।